सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये दोस्तों बढ़िया, और ये वीडियो मेरे गांव की है। गांव में जो मेरा घर है वहां पर मैंने ये वीडियो बनाई है, और यार काफ़ी मज़ा आया मुझे वीडियो बनाने में। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, वो मैं डालूंगा इस पे। तो यार जो जिनको भी मेरी ऐसी इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, थोड़ी ब्लॉग टाइप की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो को टिल एंड तक देखो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। और जो आज मेरी वीडियो है कि हम कैसे बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करें, हम कौन से टाइप के पौधे लें जिससे बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर पे आसपास मंडराएं। भाई जो ये मैं प्लांट बताने वाला हूँ, भाई खुशखबरी आपके लिए, जो आप इतने पैसे खर्च करते हो, उस ऐसे नर्सरी वालों को कहते होगे भैया मुझे ऐसा प्लांट दे दो जो बटरफ्लाई अट्रैक्ट करे, जिससे बटरफ्लाई आए, ये तितलियाँ आए, और वो आपका चूना लगा देता है इस टाइप के पौधे पकड़ा कर। आपको भी पता होना चाहिए इस टाइप के पौधे जो होते हैं उन पे बटरफ्लाई आती हैं, और ये जंगली होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। झाड़ झूड़ पार्क जाओगे, पार्क में मिल जाएंगे आपको ये। तो दोस्तों मैं बता दूँ, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर एक आप देख रहे हो एक कली है, उस एक कली में खूब सारे फ्लावर अगर होंगे, देखो एक कली उसके अंदर भी छोटे छोटे फ्लावर है, इस टाइप के जितने भी फ्लावर होते हैं, मैं बात मेरी मानो, जितने भी वाइल्ड फ्लावर होते हैं या वाइल्ड फ्लावर नहीं भी होते हैं, जितने भी इस टाइप के फ्लावर, उन सब में जो होती हैं बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं। एक कली में ऐसे चुद्दे चुद्दे देख रहे हो, छोटे 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 चार पंखुड़ी के फ्लावर दिख रहे होंगे। अगर इस टाइप के कोई सा भी फ्लावर आपको दिखता है अपने घर में, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटरफ्लाई जरूर आएंगी। और इस प्लांट का नाम है सिनो सेलेनियम, ठीक है, सिनो सेलेनियम। और देखा गया है इस फ्लावर पे भी काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं दोस्तों, और ये इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो आ गया हूँ मैं, आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मेरे घर की है। और ये देखो ये बटरफ्लाई बैठी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, छोटी सी है, वाइट कलर, वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन। अभी मैं क्लोज में भी दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों ये सही में ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आपने 3 गमले इसके लगा रखे अपने घर पे, 3 गमले, तो दोस्तों कंफर्म है कि 3 से 4 बटरफ्लाई आपके गमलों के आसपास ज़रूर घूमती हुई दिख जाएंगी दोस्तों। क्यों, इसका रीज़न बताऊँगा क्यों इतनी बटरफ्लाई इसके आसपास घूमती फिरती हैं, और इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती है, सब बताऊंगा मैं आपको। और पास जाकर मैंने बनाई है वीडियो, देखो इसी बटरफ्लाई की मैं वीडियो बना रहा था एकदम क्लियर से। और देखो आप इसी फ्लावर पे ही बैठी है, इसका नाम है कोनो सेलेनियम, ध्यान से देख लो भाई, वही प्लांट है, और उस पर देखो ये बैठी हुई है। वो क्या करती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना, इस ये क्यों बटरफ्लाई इतनी आती हैं इन फ्लावरों पर, इसका रीज़न क्या होता है कि जो इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर थे, छोटे छोटे एक ही फ्लावर में जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो रस है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होती है और आती है वहाँ पर मंडराती हैं। ये वाइल्ड है, इसके कारण भी बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, वाइल्ड फ्लावर पर बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। पैसे देखे जाएँ कि कितने रुपये का मिलता है ये, तो भाई 0 रुपये का मिलता है, 0-0 रुपये का मिलता है ये, कहीं भी पार्क में मिल जाएगा आपको। लो ये भी वही घर की क्लिप है, और देखो मैं क्या बता रहा था आपको, एक ही फ्लावर में छोटे छोटे फ्लावर होते हैं तभी बटरफ्लाई अट्रैक्ट होते हैं। वो क्यों अट्रैक्ट होती है, इनमें काफ़ी ज़्यादा शुगरी जो शुगर होता है, मीठा पदार्थ होता है, मीठा रस होता है, वो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्या करती है, वो छोटे छोटे जो खीर होते हैं उनमें अपनी जो जीभ होती है वो डालती है और सक करती है रस को। जितने भी वाइल्ड प्लांट होते हैं, जितने भी वाइल्ड प्लांट होते हैं इस टाइप के, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर के जितने भी प्लांट होते हैं वाइल्ड, उनमें ज़रूर बटरफ्लाई आएगी। क्योंकि होता क्या है, इनमें इन स्ट्रक्चर वाले फ्लावरों में जो रस की मात्रा होती काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं, भले ये वाइल्ड होते हैं मगर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ये जो प्लांट मेरे घर पर था जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी वाइल्ड प्लांट ही गिना जाता है दोस्तों, इसे एज आ फॉर्मल में नहीं देखा जाएगा,
इसे ऐसा वाइल्ड प्लांट ही देखा जाएगा, ये वाइल्ड प्लांट ही कहते हैं इसे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस टाइप की वीडियो और भी आने वाली है। तो हम वीडियो में बताना चाह, आपने समझ लिया होगा, और आप अच्छी तरीके से प्लांट सेलेक्ट करेंगे बटरफ्लाई के लिए। मेरे देखो नज़ारे कितने सुंदर हैं। ये मैं जब वापसी आ रहा था तब की वीडियो में आई थी, मैंने कहा था आपको वीडियो दिखाऊंगा तो मैंने बना दी। यार बहुत सुंदर इलाका है, मैं यहाँ घूमूंगा इस गांव में और उसकी भी वीडियो बनाऊंगा।